इंडोनेशिया के मुख्य आइलैंड जावा में सोमवार को आए भूकंप से अब तक कुल 268 लोगों की मौत हो चुकी है, 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल हैं। भूकंप में 2000 से ज्यादा घर तबाह हो गए, 13,000 लोग बेघर हो गए। अस्थायी कैंपों, पार्किंग और सड़कों पर ही घायलों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तबाही हुई है सियाजूर कस्बे में, जहां भूकंप के दौरान 3 मिनट तक इमारतें हिलती रही। सबसे ज्यादा मौतें भी यहीं हुई है। हालांकि मौतों की सरकारी आंकड़ा जो है अभी तक जारी नहीं किया गया है। सियाजूर के प्रशासनिक चीफ हरमन सुहेरमान ने कहा कि मलबा गिरने की वजह से ज्यादातर लोग घायल हुए हैं। पास ही एक गांव है जहां से लगातार एम्बुलेंस में घायल अस्पताल लोग पहुंचाए जा रहे हैं। इस गांव में कई ऐसे परिवार थे जिन्हें हटाया नहीं गया है। कई घायलों का इलाज अस्पताल के बाहर कार पार्किंग में सड़कों पर चल रहा है। स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है।